अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कुत्ते से जुड़ी एक खबर चर्चा में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कमांडर नाम के इस कुत्ते ने अक्टूबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों को कम से कम 10 बार काटा या उन पर हमला किया। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के रिकॉर्ड के हवाले से बताया गया है कि ऐसे ही एक मामले में एक अधिकारी को अस्पताल जाना पड़ा था। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जुडिशियल वॉच नामक निगरानी समूह ने मंगलवार को सीक्रेट सर्विस रिकॉर्ड के लगभग 200 पेज जारी किए। ये रिकॉर्ड सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम के तहत दायर मुकदमे के जरिए हासिल किए गए। हालांकि व्हाइट हाउस और सीक्रेट सर्विस मंगलवार को स्थिति को कमतर करार देते नजर आए। बताया जा रहा है कि फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन की सूचना निदेशक एलिजाबेथ अलेक्जेंडर ने कहा है कि व्हाइट हाउस परिसर परिवार के पालतू जानवरों के लिए एक अलग तरह का और अक्सर तनावपूर्ण माहौल वाला स्थान है और बाइडेन परिवार इस स्थिति को सभी के लिए बेहतर बनाने के तरीकों पर काम कर रहा है। वहीं सीक्रेट सर्विस के मुख्य प्रवक्ता एंथोनी ने कहा, हम अपने कर्मचारियों की सुरक्षा और भलाई को बेहद गंभीरता से लेते हैं। आपको बता दें कि बाइडेन को दिसंबर 2021 में अपने भाई जिम से उपहार के रूप में कुत्ता कमांडर मिला था। ये जर्मन शेफर्ड नस्ल का है।